तो गाइस देखो, अगर आप लोग को फास्ट चार्जिंग वाले डिवाइसों को चार्ज करना है ना, तो कुछ इसी तरह का पावर बैंक का मॉड्यूल चाहिए। जय श्री राम गाइस, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइस यार, आप लोग को याद होगा जब मैं अपने गोप्रो के लिए पावर बैंक बना रहा था, तो जो हमारा पावर बैंक का मॉड्यूल था वो हमारे लिथियम फॉस्फेट सेल के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एक दूसरे पावर बैंक के मॉड्यूल को यूज किया है और देखेंगे कि क्या ये पावर मॉड्यूल वर्क कर पा रहा है या नहीं। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना वीडियो समझ में नहीं आएगा। गाइस मेरा नाम है मिस्टर नोबडी और आप देख रहे हैं मिस्टर नोबडी एक्सपेरिमेंट। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस हमारे पास है दो पावर बैंक के मॉड्यूल्स। तो गाइस ये वाला जो मॉड्यूल है वो हमें पड़ा था अराउंड 100 रुपीज का ऑनलाइन मार्केट में, ये ऑफलाइन में अवेलेबल नहीं है। जो सर्किट है ये मुझे पड़ा है अराउंड 40 रुपीज का, और ये ऑफलाइन मार्केट में हर जगह आपको मिल जाएगा। दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं और दोनों ही टाइप सी को सपोर्ट करता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये वाला जो सर्किट था काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इसमें जो था वो क्वालकॉम प्रोसेसर पे रन करता था। क्वालकॉम प्रोसेसर जो हमारे आजकल के एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, स्मार्टफोन जिसमें फास्ट चार्जिंग होती है, वो क्वालकॉम 2 क्वालकॉम 3 पे ही रन करता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल चार्जिंग के लिए है। अब हमें देखना ये है कि क्या ये वाला सर्किट जो है पावर मॉड्यूल का, ये हमारे गोप्रो को ऑन कर पाता है या फिर नहीं। तो गाइस ये जो सर्किट है ये आपका 18650 के साथ वर्क करता है, और ये भी 18650 के साथ वर्क करता है। तो जो हमने लिथियम फॉस्फेट का सेल मंगाया था उससे हम लोग एक दूसरा पावर बैंक बनाएंगे, बट अभी हम लोग गोप्रो का पावर बैंक बनाने के लिए इसी को यूज करने वाले हैं, 18650 की बैटरी को। तो गाइस हमने अपने सर्किट को सेल से कनेक्ट कर दिया और आप सेल देख सकते हैं, ये है 18650 का 2000 mAh का सेल जिसका वोल्टेज है 3.7 वोल्ट। और आप सोच रहे होंगे ये सर्किट ऑन है या फिर नहीं। तो गाइस इसमें जब आप लोग यूएसबी को कनेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ ऑन हो जाता है। तो गाइस चलो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो गाइस हमारे पास है टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल, और ये साथ ही साथ डाटा केबल में भी यूज आप कर सकते हैं। तो हमने कनेक्ट किया अपने गोप्रो को और अब मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि ऑन होता है कि नहीं। तो जैसे ही हम लोग लगाएंगे तो हमारा जो सर्किट है वो ऑन हो चुका है। तो अब हम करते हैं अपने गोप्रो को ऑन। तो गाइस ये ऑन हो गया है, अब देख सकते हैं। और इसमें अभी जो दिखा रहा है वो एसडी कार्ड का एरर दिखा रहा है, यानी कि इसमें एसडी कार्ड नहीं है। तो गाइस अभी तक तो ये सपोर्ट कर रहा है, बट क्या ये रिकॉर्डिंग कर पाएगा या नहीं, तो चलिए इसमें एसडी कार्ड लगा के देखते हैं। तो गाइस अब हम लोग लगा लेंगे इसमें एसडी कार्ड और चलिए अब देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो गोप्रो है वो ऑन हो चुका है, और अब करते हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो गाइस आप देख सकते हैं ये गोप्रो ऑन है। यहाँ पे आपको चार्जिंग का भी सिंबल दिख रहा है, ये छोटा सा जो है ये चार्जिंग का सिंबल है, बट हम लोग जैसे इसको रिकॉर्डिंग पे कर रहे हैं ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है। यानी कि जो हमारा ये सर्किट है ये इतना पावर इस गोप्रो को नहीं दे पा रहा है कि हमारा जो गोप्रो है वो ठीक से वर्क कर पाए। तो गाइस मैंने इसको चार्जर से डायरेक्टली चला के देखा है और ये वर्क कर रहा है। ये इस पावर बैंक का जो मॉड्यूल है इसमें दिक्कत है, इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे पावर बैंक का मॉड्यूल है वो इतना पावर दे ही नहीं पा रहा है हमारे गोप्रो को कि हमारे जो गोप्रो है वो रिकॉर्डिंग कर सके, क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम थोड़ा ज़्यादा पावर का यूज़ होता है। तो गाइस अब हमारे पास है ये RGB लाइट और हम लोग इसको चार्ज करके देखेंगे कि क्या सेम प्रॉब्लम इस RGB लाइट के साथ ही आ रहा है या फिर गोप्रो के साथ आ रहा है। तो गाइस हम करते हैं इसमें कनेक्ट। और गाइस आप देख सकते हैं हमारा सर्किट ऑन हो गया है और ये चार्ज हो रहा है। तो गाइस जो हमारा RGB लाइट है वो अच्छे से चार्ज हो रहा है, क्योंकि इसको जितना पावर चाहिए वो मिल रहा है, बट जो हमारा गोप्रो है उसको पावर थोड़ा ज्यादा चाहिए रिकॉर्डिंग के टाइम। तो गाइस ये वाला जो पावर बैंक का मॉड्यूल है वो हमारे गोप्रो के साथ सपोर्टेबल नहीं है। तो गाइस देखो, अगर आप लोग को फास्ट चार्जिंग वाले डिवाइसों को चार्ज करना है ना, तो कुछ इसी तरह का पावर बैंक का मॉड्यूल चाहिए। ये क्वालकॉम 2 और क्वालकॉम 3 पे रन करता है, जो हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें क्वालकॉम 2 क्वालकॉम 3 होता है, जिसकी वजह से हमारी फास्ट चार्जिंग होती है। तो फास्ट चार्जिंग के लिए यही वाला मॉड्यूल आपको चाहिए। अगर कोई बोलता है आपको कि ऐसा मॉड्यूल
फास्ट चार्जिंग करेगा तो ये फास्ट चार्जिंग नहीं करेगा। आप देख सकते हो मैंने इस पावर बैंक के मॉड्यूल से अपने GoPro को रन किया है, रिकॉर्ड किया है काफी देर तक, और काफी अच्छा परफॉर्मेंस था इसका। बट मेरे मिस्टेक की वजह से ये सर्किट डैमेज हो गया और मैंने अब इस सर्किट का ऑर्डर दिया हुआ है। अब ये जब सर्किट आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कि आखिर GoPro के लिए पावर बैंक को बनाए कैसे। तो गाइज ये वाला जो मॉड्यूल है ये 18650 बैटरी को सपोर्ट करता है, और मैंने मिस्टेक से मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने लिथियम फॉस्फेट का सेल मंगा लिया जो कि 3.2 वोल्ट होता है। तो गाइज ऐसी गलती आप मत करना, आपको अगर ऐसा पावर बैंक मॉड्यूल बनाना है इस सर्किट के साथ तो आप 18650 बैटरी को मंगाओ। नियर अबाउट प्राइस उतना ही पड़ता है जितना मैंने 32700 सेल को मंगाया था। तो गाइज आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। और जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो लोग मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।